हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ओके, सो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, लाइट बेंड क्यों करती है, डेंसर मीडियम क्या होता है, रेरर मीडियम क्या होता है, और किस वजह से लाइट कहां से कहां बेंड करती है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लाइव एग्जांपल के थ्रू। ठीक, तो सबसे पहले इमेजिन कर लीजिए कि आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सपोज आप एक लाइफ गार्ड है, ठीक, स्विमिंग पूल में, और घर पे आपने बोल रखा है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए वहां जा रहे हैं ताकि आप खुद कमा सके, लेकिन एक्चुअल रीजन कुछ और है। सो आप यहाँ पे लाइफ गार्ड है इस पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्रश डूब रही है पानी में, ठीक है। सो सिचुएशन ऐसी है कि आपको उसको बचाना है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है। सो आप कैसे बचाएंगे उसको? आपको यहां से यहां पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपको वो रास्ता पकड़ना है जिसमें आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगे, ठीक है। सो सबसे पहला इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या आता है? इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ये आता है कि अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है तो मुझे कैसे जाना चाहिए? मुझे डिस्प्लेसमेंट के पास रहना चाहिए, यानी कि यहां से यहां डायरेक्ट ले जाना चाहिए। सो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप क्या करेंगे, यहां से सीधा का सीधा निकल जाएंगे सी पॉइंट तक, ठीक है। तो आपका पाथ होगा यहां से सीधा यहां। मान लीजिए कि ये जो पाथ है इसको आप पाथ वन मान लेते हैं, सी आपका है पाथ वन। अच्छा, इसके लिए एक और अप्रोच हो सकती है आपकी। हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं लाइफ गार्ड हूं, मुझे स्विमिंग आती है, तो सबसे पहले मैं पानी में फटाफट पहुंच जाऊंगा और फिर लास्ट माइल क्लियर कर लूंगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप जाएंगे यहां से सीधा, सबसे पहले आप पानी में पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर हुआ और इसके बाद आप यहां से सीधा का सीधा इस पाथ से जाएंगे। तो मान लीजिए ये आपका पाथ। तीसरा पाथ क्या हो सकता है? तीसरा पाथ ये हो सकता है कि आप ये लॉजिक लगाएं कि जहां मैं बेटर हूं वहां मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड करूंगा। ऐसे ही होता है जनरली कि हम जिस चीज में बेटर होते हैं हमें मैक्सिमम टाइम वहां पर स्पेंड करना चाहिए, रैदर देन कि अपनी वीकनेस को सुधारना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कहां पे कवर करेंगे, जहां पे आपकी स्पीड मैक्सिमम है। आप कितना भी अच्छा स्विमर क्यों ना हो, आपकी स्पीड लैंड पे हमेशा ज्यादा रहेगी पानी से। तो आप क्या करेंगे, यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे ताकि आप सीधा का सीधा मिनिमम डिस्टेंस पानी में ट्रेवल कर सकते। सो आप ये वाले पास से जाएंगे, ये बात मान लीजिए कि आपका थ्री है। तीसरा बात क्या हो सकता है आपका, कि आप मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करें लैंड पे, है ना, और मिनिमम डिस्टेंस करें आप पानी में, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका। तो ये मान लीजिए आपका थर्ड पाथ है। हो सकता है कि आपके पास दो और रास्ते हैं, देखो तीन मेजर रास्ते थे, इनके बीच में भी कुछ कुछ रास्ते हो सकते हैं। जनरली कहीं पे भी ऐसा होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हम लोग एग्जैक्टली एक्सट्रीम पे नहीं जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है। सो ऐसा हो सकता है कि आप वन और टू में बैलेंस करें, ऐसा भी हो सकता है कि आप वन और थ्री में बैलेंस करें। तो मान लीजिए कि अगर आप वन और टू में बैलेंस करते हैं तो आपका पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। इसको फोर ले लेते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप वन और थ्री में बैलेंस करें। सो इसके लिए आपका पाथ होगा फिफ्थ पाथ। देखो पांचों के पांचों रास्ते आपको एक ही जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन पांचों के पांचों रास्ते में एक ही रास्ता है जो सबसे बढ़िया है। सो क्या लगता है आपको कि कौन से रास्ते से आपको जाना चाहिए? हर एक रास्ते का अपना अपना लॉजिक था। क्या लॉजिक था? पहले रास्ते का लॉजिक ये था कि मुझे मिनिमम टाइम में जाना है तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो ये वाला पाथ वन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मिनिमम है। पाथ थ्री का लॉजिक क्या है? पाथ थ्री का लॉजिक है कि मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए लैंड में और मिनिमम करना चाहिए पानी में। पाथ टू का लॉजिक है कि मुझे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए लैंड में और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए पानी में। फोर्थ वाला क्या है, वन और टू का इंटरमीडिएट है, और फिफ्थ वाला वन और थ्री का इंटरमीडिएट है। सो सबसे एफिशिएंट पाथ इसमें से कौन सा होगा? तो सबसे एफिशिएंट पाथ, हमेशा याद रखना कि हर जगह पे ये चीज अप्लाई होती है कि जहां पे हम लोग बेटर होते हैं हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि उस चीज को और अच्छा करें, रैदर देन कवरिंग योर वीकनेस। वीकनेस कवर करना इंपॉर्टेंट है, बट वीकनेस के चक्कर में अगर हम पूरा टाइम उसी में लगा लेते हैं तो हम कहीं पे नहीं रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर धोनी मैक्सिमम टाइम अगर बॉलिंग करेगा तो उसका बॉलिंग थोड़ा सुधर जाएगा लेकिन विकेट कीपिंग बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, ठीक। सो थर्ड पाथ जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंट पाथ है, बट थर्ड पाथ में एक डिसएडवांटेज है जो फर्स्ट पार्ट में एडवांटेज है, और वो क्या है कि फर्स्ट पार्ट में आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता
तो आप एक्चुअल में क्या होंगे, एक्चुअल में आपके लिए ना वन बेटर है ना थ्री बेटर है, बल्कि आपका फाइव बेटर है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी डिफरेंशिएशन को यूज करके प्रूव किया जा सकता है, बट इस स्टेज पे हम लोग ऐसा ही समझ लेंगे कि ये फिफ्थ पाथ से जाएगा। सो रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो फर्मेट प्रिंसिपल के हिसाब से लाइट हमेशा उस पाथ से जाएगी जिस पाथ में उसको मिनिमम टाइम लगेगा। सो सिमिलरली लाइट भी इसी पाथ से जाएगी, फिफ्थ पाथ से। तो स्पीड कहां पे ज्यादा है, स्पीड आपकी ज्यादा है ये वाले मीडियम में, नीचे वाले मीडियम में। यहां पे मीडियम क्या था, ग्राउंड था, तो ग्राउंड पे स्पीड ज्यादा है। लाइट की स्पीड ज्यादा जहां पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेरर मीडियम, लाइट की स्पीड जहां पे कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। सो ये मीडियम कौन सा हुआ, ये रेरर मीडियम हुआ, ये ऊपर वाला क्या हुआ आपका डेंसर मीडियम। सो लाइट जब रेरर से डेंसर में जाएगी तो क्या जाएगी, आप अगर ऐसा सीधा जाएंगे तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, अगर मैं नॉर्मल इसको यहां पे बना दूं तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। और लाइट का लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका पाथ रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर वो सी से यहां पे आना चाहे तो भी वो इसी पाथ से आएगा, यानी कि अगर वो डेंसर से रेरर में आएगा तो वो कहां मूव करेगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, सो ये समझ में आ गया, थैंक यू।